अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। देवर और बाबी बिल्कुल आपस में अजनबी होते हैं, इनका आपस में इख्तलात मिलना जुलना बग़ैर पर्दा के शरी तौर पर जायज़ नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने फ़रमाया देवर तो है ही तबाही। और बाकी ये है कि सूरत क्या है, बस दूर से सलाम और दुआ और चेहरा हाथ और पाँव ये ज़ाहिर रह जाए, मतलब अबाया ना पहने घर में मुश्किल है, बाकी बाजू ऊपर चढ़ा लेना या मतलब इस तरह का कोई ये काम ना किया जाए देवर के सामने। और शिक्के मुझे याद नहीं है, पता नहीं कितनी आपने कह दी हैं। देवर का भाभी एक घर में रहकर पर्दा मुमकिन है, सहाबा किराम की ख्वातीन हमारी ख्वातीन अब भी रखती हैं तो ये मुमकिन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मुझे भूल गया कि आगे आपने क्या पूछा था। हाँ, वो कहना कि सास ससुर को अम्मी अबू कहना शरी तौर पर जायज़ है, कोई मसला नहीं है। ये नसबी और सहरी रिश्तेदार होते हैं, ससुराली रिश्तेदार, इनको इस तरह कहना शरी तौर पर जायज़ है, कोई मसला नहीं है। अस्सलामु अलैकुम।